आईमैक्स हिलाने वाला है इंडियन सिनेमा और थिएटर बनने वाले हैं स्टेडियम। फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, हम सबके फेवरेट हिंदुस्तान के नंबर वन और एक्शन फिल्मों के बाप, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े मेगा स्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3, जो कि सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं बल्कि फैंस के लिए एक बड़ा इमोशन होने वाली है, जिसे लोग किसी त्योहार की तरह बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान, इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ की इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाली फिल्म से जिस लेवल का आज पावरफुल ट्रेलर रिलीज हुआ है, और इसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, ये इंडिया की पहली वो फिल्म होने वाली है जो इंटरनेशनल फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और भाईजान सलमान खान के फैंस को एक बड़ा प्राउड फील कराने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2 मिनट 51 सेकंड के इस ट्रेलर ने जबरदस्त विजुअल्स के साथ माइंड ब्लोइंग एक्शन और जिस लेवल की स्टोरी दिखाई है कि टाइगर को मारने के लिए इमरान हाशमी आया है, जो कि अपने परिवार की मौत का बदला लेने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि टाइगर की वजह से इमरान हाशमी की फैमिली कैसे मर गई और अब टाइगर इमरान हाशमी से अपनी फैमिली को कैसे बचाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिल्म का ट्रेलर इंटरनेशनल फिल्मों को टक्कर देता है और जहां इमरान हाशमी बड़े ही बैडस किरदार में नजर आ रहे हैं, और इन्हें देखने के बाद ये लग रहा है कि ये फिल्म में टाइगर को जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म का क्लाइमैक्स होने वाला है बेहद ही दमदार, सरप्राइज से भरा हुआ। खबरें हैं कि फिल्म के क्लाइमैक्स में पठान और टाइगर एक साथ मिलकर दुश्मनों के साथ एक्शन करते हुए नजर आएंगे, और एक्शन सीक्वेंस ऐसा होगा सबके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और तालियों और सीटियों के साथ टाइगर और पठान की जोड़ी को हर कोई प्यार करेगा। जी हां, बॉलीवुड के इतिहास में सबसे जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है टाइगर 3 में। ये फिल्म बेहद ही खास होने वाली है, जो बॉलीवुड में सबसे बड़ी एक्शन फिल्म का भूचाल लेकर आने वाली है, अपने नाम टाइगर 3 के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 300 करोड़ के बजट में बनी टाइगर 3 में हर वो चीज दिख रही है जो एक बड़ी से बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उम्मीद है दोस्तों ये फिल्म अपने नाम 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले ही हफ्ते में कर लेगी, क्योंकि दोस्तों सलमान खान का चार्म ही अलग है, जब भी स्क्रीन पर आते हैं फाड़ के चले जाते हैं। बाकी दोस्तों आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आपके हिसाब से ये फिल्म कितने हजार करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार अपडेट्स के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।